मैं जयदेव सिंह आपके साथ फिर आया हूं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल की ऐसी लोकसभा की जानकारी को लेकर जो कि पूरे देश तथा फिल्मी दुनिया में रामपुरी चाकू को लेकर जाना जाता है। जी हां, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित जिला रामपुर के बारे में। 2367 किलोमीटर यानी 914 वर्ग मील क्षेत्रफल में फैले इस जिले की 2011 की जनगणना के अनुसार 23,35,398 जनसंख्या है तथा इस जिले की साक्षरता दर लगभग 55% है। राजनीतिज्ञों के अनुसार रामपुर में हिंदू मतदाताओं के मुकाबले मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत अधिक माना जाता है। जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें रामपुर सदर से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मोहम्मद आजम खान, स्वार विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के अब्दुल्ला आजम खान, मिलक से भारतीय जनता पार्टी की राजबाला, चमरौवा से समाजवादी पार्टी के नासिर खान और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के बलदेव सिंह औलख वर्तमान में विधायक हैं। यानी यूं कहें कि वर्तमान में पूरे लोकसभा क्षेत्र रामपुर की 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास। यहाँ के पहले सांसद की बात करें तो वे थे देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आजाद। यह 1952 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से सांसद चुने गए थे। इनके बाद अगले लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस से राजा सैयद अहमद मेहंदी लगातार 2 बार यानी 1957 और 1962 में सांसद चुने गए और फिर 1967 तथा 1971 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही जुल्फिकार अली खान सांसद बने। 1977 में भारतीय लोकदल के उम्मीदवार राजेंद्र कुमार शर्मा ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के गढ़ को ध्वस्त कर दिया और सांसद बन गए। लेकिन यहां की जनता ने अगली बार यानी 1980, 1984 और 1989 के लोकसभा चुनावों में फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार में विश्वास जगाते हुए जुल्फकार अली खान को संसद में पहुंचा दिया। वहीं इस लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद रहे राजेंद्र कुमार शर्मा ने हिम्मत नहीं हारी और 1991 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतकर फिर से अपना कब्जा सांसद की सीट पर जमा लिया। 1996 में हुए चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस से बेगम नूर बानो संसद पहुंची तो 1998 में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुख्तार अब्बास नकवी यहां से सांसद बने। लेकिन 1999 के चुनावों में दोबारा नेशनल कांग्रेस की प्रत्याशी बेगम नूर बानो को यहां की जनता ने सांसद की कुर्सी पर बैठा दिया। 2004 के लोकसभा चुनावों में फिल्मी दुनिया की मशहूर अदाकारा जयाप्रदा नाहटा यहां से समाजवादी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ी और सांसद बनी। इसके बाद पुनः 2009 में यहां से चुनाव लड़कर लोकसभा में पहुंच गई। 2014 के आम चुनावों में मोदी लहर के चलते भारतीय जनता पार्टी के 78 वर्षीय डॉक्टर नेपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नासिर अहमद खान को मात्र 23,435 मतों से पराजित कर सांसद की कुर्सी पर अपना कब्जा जमा दिया। 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो इस लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से 2 बार सांसद रही मशहूर फिल्म अदाकारा जयप्रदा नाहटा को भाजपा में शामिल कर अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी ओर सपा बसपा गठबंधन ने अपने उम्मीदवार के तौर पर 1 बार राज्यसभा सांसद तथा कई बार विधायक रहे अपने कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान को चुनावी रण में उतारा है। इसके अलावा कांग्रेस ने पूर्व विधायक संजय कपूर पर अपना दांव लगाया है। रामपुर की जनता की माने तो इस संसदीय सीट से यहां के मतदाता आजम खान तथा जयप्रदा के बीच चुनावी लड़ाई मान रहे हैं। जयप्रदा समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद अमर सिंह की करीबी मानी जाती हैं और उन्हें आजम खान का प्रतिद्वंदी माना जाता है। पूर्व में भी आजम खान और जयप्रदा के बीच खुले तौर पर राजनीतिक विरोध दिखते रहे हैं। ऐसे में जयप्रदा को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया जाना रामपुर में आजम खान के खिलाफ बीजेपी की एक मजबूत प्रत्याशी उतारने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। रामपुर से जयप्रदा बनाम आजम खान या यूं कहें कि अमर सिंह बनाम आजम खान की 15 साल पुरानी राजनीतिक दुश्मनी इस बार फिर
आमने सामने से है और नाक की लड़ाई बन गई है। नतीजा तो सिर्फ रामपुर की जनता ही देगी कि इस बार कौन संसद की कुर्सी पर बैठेगा। रामपुर लोकसभा क्षेत्र से पंचायत वार्ता की विशेष रिपोर्ट।